जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप किसी से उम्मीद कर लेते हो तो जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। मुझे पता है मेरी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं, तभी तो मुझे आज भी मेहनत करनी पड़ती है, आज भी दो दो तीन तीन चार चार पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारियां ज़्यादा है। कोचिंग में मैं 6 बजे आता था, 6 बजे तक पढ़ाता था, 12 महीने में एक या दो छुट्टी नहीं लेता था, बर्थडे के दिन भी घर नहीं आता था मैं। जो मेरे पास पढ़े हुए उन सबको पता है, घरवाले सब नाराज़ रहते थे, एक शादी में नहीं आया था, परिवार में थी, सब नाराज़ हो गए थे, बोले ऐसे क्या पढ़ाता है अभी तू। लेकिन वो जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बन जाती है जब आप, क्योंकि आया हुआ बच्चा ये कहता है मैं तो थारा कारण एडमिशन लियो, अब क्या करें, तो जिम्मेवारियाँ कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे जब मैं कर रहा हूँ, एक बात बताओ मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं अगर आज न भी पढ़ूँ तो मेरा काम चल जाए, मुझे पता है आराम से बढ़िया तरीके से कर जाए, आराम से मैं भी नींद ले सकता हूँ गर्मियों में। और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते क्या? मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आज भी मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ। इस लॉकडाउन में भी मुझे नहीं याद कि किसी दिन मैंने पढ़ाई न की हो, आज भी पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में टिकना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा आपका, आपको चाहे कोई कितना ही बदनाम कर ले, भले आपके बारे में कोई कुछ भी बोल दे, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी नहीं पड़ा, आपको भी मिले होंगे मेरे बारे में बोलने वाले, लेकिन मेरे पास पढ़ाऊँ स्टूडेंट क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इसलिए नहीं बोलता कि उसे पता होता है कि ये मेहनत करता है यार, पढ़ता है, इतना मैटर निकाल के लाए, इसका मतलब मेहनत करता है, मुंह धो के नहीं आता हूँ मैं उठ के। जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आज भी, जब मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और फिर भी मैं आपके लिए 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो क्या आप नहीं पढ़ सकते क्या? क्या 3 घंटे भी नहीं पढ़ सकते क्या? अब देख लो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ ऐप में, जबकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं इंडियन हिस्ट्री का दूसरा टीचर लेके काम चला सकता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान करवाते लो फिर भी करता हूँ। हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, 2-2 टीचर 3-3 टीचर ऑलरेडी, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप थोड़ा सा नहीं पढ़ सकते क्या? करते क्या हो रही है तो बताओ, इतना सा ही तो टाइम है आपके लिए। अरे यार मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप जब कहो तब। हाँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरे साथ करनी पड़ेगी, अब 3 महीने करनी पड़ेगी आपको। जिंदगी तजुर्बों से वैसे भरी पड़ी है, इश्क में दान करना पड़ता है, जा को हकलान करना पड़ता है, ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। नुकसान हमने भी बहुत सहन किए, ऐसे ऐसे किए कि आपको बता दूं ना, जिंदगी में पता नहीं कितनी बार 0 से शुरुआत करनी पड़ी है, सब कुछ था फिर भी 0 से शुरुआत करनी पड़ी। ये नाम चेंज हुआ इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, 15-20 दिन रात लगी थी, और दोबारा किताब को पूर्णतः नहीं लिखना, वापस 0 से ऐसी शुरुआतें मैंने कई बार की। कोचिंग को ऊंचाई पे ले गया, ले जाते हैं, अहंकार आता है हमारी वजह से चल रही है, फिर परेशान करते हैं, फिर कोचिंग छोड़ के दूसरी में जाके फिर 0 से शुरुआत करके ऊपर ले जानी पड़ती है। इतनी मेहनत, जो मैं जिंदगी में कई बार 0 से शुरुआत कर चुका हूँ, तो अगर आप एक बार असफल होके फिर दोबारा 0 से नहीं कर सकते क्या? लेकिन मुझे पता है टिकोगे कैसे, किताबों से प्रेम करोगे तभी। किताबों को मत छोड़ो कभी, भले ही जिंदगी में कुछ भी करते हो। ये जलन वलन क्यों करते हो, क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी के वीडियो नहीं देखता, कई बार एजुकेशन कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, बस इतने। आज ऑनलाइन में बहुत बड़े प्लेटफार्म आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, पीछे भी थे, मैं उनका कभी कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि इससे जलन पैदा होती है। क्या वाह, तो ऐसे काम करूँ ही क्यों? जब जलन पैदा हो तो ऐसा काम करूँ ही क्यों मैं? आप भी फेसबुक क्यों चलाते हो, फेसबुक क्यों देखते हो? आप अधिकतर तो इसलिए देखते हैं कि दुश्मन क्या काम कर रहा है। अरे क्या करोगे, दुश्मनों पर ध्यान देते रहोगे क्या? मैंने एक कोचिंग छोड़ी थी, छोड़ने के बाद उन्होंने मेरे लिए फेसबुक पे पोस्टों पे पोस्टें डाली। मैं अच्छा था, 12 महीने उनके पास पढ़ाया, अच्छा था, निकलते ही बुरा हो गया मैं। तो कई बच्चों ने कहा और कई साथियों ने कहा कि गुरुजी आप इनका जवाब क्यों नहीं देते? मैं कह, मेरे यही काम है क्या? मुझे तो आगे जाना, इनको तो यहीं रहना है, इनको तो गर्त में जाना है, थोड़े दिनों बाद देख लेना नतीजा। मैं इनको जवाब दे के मेरा दिमाग क्यों खराब करूं? मुझे तो आगे जाना है भैया, पढ़ाई करूं ना, पहले मैं इनको फेसबुक पे जवाब दूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा नीचे क्या कमेंट आए। मैं पूरा दिन क्यों खराब करूं इनके लिए? मुझे आगे जाना है। ये दोस्त वोस्त आप जो समझते हो ना, दोस्त ठीक है एक या दो होते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए धीरे धीरे वो भी कम होते जाएंगे, दोस्त धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और करना ही कम है, ऊंचाइयों पे जाने वालों के कभी दोस्त नहीं होते। सचिन तेंदुलकर के दोस्त का नाम बताओ, अंबानी के दोस्त का नाम बताओ, है क्या?
नहीं होती। आदमी ज्यों ज्यों ऊंचाइयों पे जाता है तू तू अकेला होता जाता है। अगर आपको बाज बनना है तो इन पेड़ पौधों से मोह छोड़ना पड़ेगा। ऊंचाइयों पे रहता है बाज को कोई मतलब नहीं है पेड़ पौधों से। जो पेड़ पौधों से मोह करते हैं वो पेड़ पौधों पे ही रह जाते हैं। इन चीज़ों को आपको छोड़ना है, समाज को भी छोड़ना पड़ता है। मैं नहीं जाता, कभी काम चल रहा है तो आप नहीं जाओगे। हर साल के बढ़ते कॉम्पिटिशन, हर एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ईबुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यही मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहाँ वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप।